बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड स्वीटी जी ने बनाई बिरयानी। अब बिरयानी उसने बड़ी प्यार और मोहब्बत से बनाई थी अपने बहन भाइयों और अम्मा अब्बा के कहने पर, मगर यहाँ पे सिचुएशन हो गई जब गड़बड़, जब उसे रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिले कुछ लोगों की तरफ से, और उसमें क्या कहना चाहिए, उसको डिस्करेज किया गया उन कमेंट्स की वजह से। कहा ये गया कि आपके लोग बटरिंग करते हैं और आप उठ के चली जाती हैं बिरयानी बनाने, तो इसी तरीके से आपसे लोग कहते रहेंगे और आप काम करती रहेंगी। अच्छा, ये चीज़ खुद अपने उसने व्लॉग में बताई है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चंस है उन लोगों से जिन्होंने ये बातें या इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स स्वीटी जी के व्लॉग में किए। देखिए, यहाँ पर ये बात कहनी बिल्कुल कुछ ऑकवर्ड सी है कि आपसे बार बार कहते रहेंगे कि आप बना के दीजिए बिरयानी। अब ये क्वेश्चन जो है कभी भी उस घर में नहीं आता जहाँ पे आपके सगे माँ बाप, सगे बहन भाई हों। आप अपने सगे बहन भाई या अम्मी अब्बू को कभी कोई चीज़ सिर्फ इसलिए बना के नहीं देते कि यार आपकी बटरिंग हो रही है या आपके नंबर्स बढ़ेंगे। आप हमेशा उनकी खुशी के लिए, नॉट ओनली बिरयानी, मतलब कोई भी काम हम अपनी फैमिली के लिए इसलिए करते हैं ताकि उनको रिलैक्सेशन मिले, वो खुश हों, है ना। अब यहाँ पे बीइंग अ लेडी क्या कर सकती हैं लड़कियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये कि वो खाने पीने की चीज़ें जो है, किचन, डेफिनेटली बीइंग अ वमन, बीइंग अ लेडी, किचन बड़ा लाइफ लाइन रहा है हर लेडी के लिए। तो वो वहाँ से अपने घर के माँ बाप, बहन भाई, कज़न्स और होम फैमिली स्पेसिफिकली जो होते हैं उनको करती हैं खुश। अब लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उनसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप अपने फैमिली को कभी मना करेंगे, कभी ये चीज़ आप अपने दिल में लाएंगे कि मैं आज मेरी अम्मी ने या मेरे अब्बू ने या मेरी बहन ने या भाई ने ये कहा है कि मुझे ऐसी बिरयानी बना के दें, तो भाई वो तो बटरिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंग ज़ाहिर हो रहा है इनडायरेक्टली, वो मीनिंग ये ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पर स्वीटी जी ने कहा था कि फ़ातिमा ने कहा था कि मुझे बिरयानी बना के दें आप, जो कि उनकी भाभी हैं। अब देखिए, फ़ातिमा का अगर पॉइंट देखा जाए तो कुछ ऐसी बातें भी सुनी गई हैं कि फ़ातिमा को कुकिंग नहीं आती, ठीक है, और जिसका मोहसिन ने भी किसी मजाक में बात कही थी अपने अब्बू को, ठीक है। मगर अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर कुकिंग आती भी है और छोटे भाई की वाइफ या फिर बड़े भाई की वाइफ आपसे कहे कि बिरयानी बना दे, आप बिरयानी अच्छी बनाती हैं, तो वो बटरिंग नहीं है। देखिए, यहाँ पर स्वीटी जी का घर ले लें या माजी में और भी जो रिलेशनशिप यूट्यूब पे ख़राब हुए हैं, वजह यही होती है, यूट्यूब को भी छोड़ दें अगर, वैसे भी नॉर्मली घरों में छोटी छोटी बातों पे नफ़रतें जो बढ़ती हैं वो इसी वजह से बढ़ती हैं कि कहीं नंद ये समझती है कि अच्छा खुद काम से बच रही है, मुझे लगा रही है काम पर, और कहीं भाभी कहती है ये बहुत चलाक है, इसको पता चल गया कि मुझे कुकिंग अच्छी आती है तो फौरन नन्ही बन गई कि भाभी मुझे कुछ नहीं आता, आप बहुत अच्छा कोरमा बनाती हैं, और इस किस्म की जो बातें दिमाग में आती हैं ना, ये बनती हैं फसाद की जड़। और एक घर जहाँ पे भाई भी है मैरिड, जो कि जाने वाला है, जिसका डेफिनेटली वीज़ा आने वाला ही होगा, इन प्रोसेस होगा, फिर वो खुद स्वीटी जो कि अपने हस्बैंड के साथ ही जाएंगी, वो अगर अपनी भाभी को बना के दे दे बिरयानी, तो आई थिंक ये तो बहुत प्यारी सी मेमोरीज़ रह जाएंगी जब वो अपने हस्बैंड के पास जाएंगी। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, मैं आपको बताऊँ, अम्मी अब्बा, इसके अलावा भाई बहन, फिर एक रिश्ता आता है भाभी, ठीक है, वो आपके घर में होती है, डेफिनेटली वहाँ आपको बहुत ज़्यादा अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी पड़ती है उनसे, तो वहाँ ये छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात ये कि स्वीटी ने क्या कहा कि चावल भी ऑलरेडी उन्होंने पानी में भिगोए हुए हैं, कटिंग्स भी हुई हुई हैं सारी चीज़ों की, ठीक है, उनकी जो सारी क्रॉकरी वगैरह है वो भी वॉश की हुई है, तो जब सारी चीज़ें रेडी हैं और इनडायरेक्टली उन्होंने लोगों को बताया कि यार मुझे जो है बना बनाया सामान मिला है, मुझे सिर्फ अपनी जो है यहाँ पे रेसिपी लड़ानी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्वीटी वैसे भी अपने भाइयों से बड़ी है और भाभियों से भी बड़ी है, तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि एक और जो रिश्ता है यहाँ पर कि लाइफ इदामना के यहाँ क्या हुआ है।
वहाँ एग्जाम्पल ली जाती है कि दो जो एक नंद और भाभी में जो इतनी लड़ाई हुई है, आप सबको पता है कि वो लड़ाई जो है बिहाइंड द स्क्रीन चल रही थी। बहुत सी लड़ाइयाँ जो स्क्रीन पे नहीं आती, कुछ वैल्यूज़ होती हैं हर फैमिली की, मगर फेस पर रिवील हो जाती हैं। फेस से वो बातें नहीं छुपाई जाती, अपने लहजे से वो बातें नहीं छुपाई जाती। यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ कि माजी में जो कुछ भी हुआ, मगर स्वीटी अपनी फैमिली के साथ वाकई में स्वीट है, और यहाँ पर वो अपनी बहन बहनोई जो भाभियाँ हैं भाई हैं उन सब को लेके चलती है। अब यहाँ पर वो लड़की जो ये सोच रही है कि जब मैं दूर चली जाऊँगी तो फैमिली वाले दूर हो जाएंगे, घर का क्या होगा, अम्मी अब्बा का ख्याल आता है, तो वो तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है। और यहाँ पर मैं सिर्फ स्वीटी की बात नहीं करूँगी, यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न होता है उनको अपने से जो रिलेटेड लोग होते हैं उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्वीटी बिरयानी बनाती है तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार आपकी रेसिपी वाकई में बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि अगर फातिमा को बिरयानी नहीं आती तो वह सोचे कि जैसी टेढ़ी मेढ़ी बिरयानी बनाएगी चलो खा लेंगे, ऐसा नहीं है। इनके घर में मेड है, फिर इनकी अम्मा जो है वो भी बड़ी अच्छी बिरयानी और कुकिंग वगैरह कर ही लेती हैं, ऐसा नहीं है। होता यह है कि समटाइम किसी के हाथ में टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और आपने ये देखा है कि स्वीटी के जितने भी पुराने व्लॉग्स आए हैं उसमें स्वीटी कहीं ना कहीं हमें किचन में ज़रूर दिखी है। अब जब इफ्तार है तो इफ्तार में स्वीटी ने पकोड़े बनाए और वो मोहसिन भी लग गया था उनके साथ कुछ ना कुछ बनाने में। तो ये सारी चीज़ें मोहब्बत हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना मिक्स होकर एक फैमिली बनाती हैं। और मैं कहती हूँ जो लोग ये मैसेजेस करते हैं ना वो बड़े ख़तरनाक मैसेजेस होते हैं, ऐसे मैसेजेस को ना दूसरों को करें और ना इधर अपनी फैमिली में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इस चीज़ से आपका घर टूट जाता है। एक बिरयानी बनाने में, कोरमा बनाने में, पकोड़े बनाने में, कढ़ाई बनाने में कोई ज़्यादा सामान नहीं लगता, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और स्वीटी इस वक्त जब अपने अम्मा अब्बा के घर में है और उसके पास कोई इतना ज़्यादा जो है बिज़ी टाइम नहीं होता, क्योंकि जैसे स्वीटी की जो बहन है वो बहुत बिज़ी रहती है और डेफिनेटली दिखता है कि उसके पास वाईटी के लिए भी टाइम नहीं है। बच्चे जो है वो बहुत ज़ाहिर सी बातें काम फैलाते हैं और अपनी जो है बिज़ी हो जाता है इंसान, फिर स्वीटी अपने हस्बैंड के पास भी नहीं है अभी। तो इस तरीके से वो अपनी फैमिली में रह रही है, इस तरीके से एक जगह वो रह रही है जहाँ वो अपने लॉस के यहाँ भी जाती है, अपने अम्मा अब्बा को भी देखती है, बहन भाइयों को भी देखती है, हस्बैंड को भी देखती है। तो ऐसा शख्स जो होता है ना काफ़ी सोशल होता है, और स्वीटी जो है उसके साथ जो है जो भी प्रॉब्लम चलो चल रहा है लाइफ में वो भी अल्लाह ताला सॉल्व कर ही देता है जब वो चाहता है, लेकिन उसके बाद भी वो सब से मिलजुल के रहती है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि हमें मोहब्बतें बढ़ानी चाहिए, हमें बिना वजह नेगेटिव कमेंट्स किसी को नहीं करने चाहिए, दिलों में बातें ऐसी नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग तो कहते हैं भाई हमारी बहुओं में या हमारी नंद में या हमारी सास में जो है तुम लोगों की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, तुम लोगों के जो व्लॉग्स बनते हैं डिस्कशन होती है उसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो देखिए वो सब सामने आते हैं, उनकी बहू भी सामने आती है, उनकी नंदी भी सामने आ जाती है, उनकी सास भी सामने आ जाती है, डिस्कशन होती है, एक ही व्लॉग को वो सब लोग कंटेंट बनाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिवील होती हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस पे आ जाती हैं। बट इनको देखा जाए तो इनका जो जो इस वक्त लिंक है वो टोटल ऑपोजिट है, क्योंकि ये सिर्फ अकेली यूट्यूब बनाती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आप अपनी भाभियों का फेस क्यों नहीं रिवील करते। तो देखें एक तो जाहिर सी बात है सही कहा उसने कि ये एक पर्सनल चीज़ है, मोहसिन की बीवी मोहसिन की बीवी है, उसके भाई की बीवी उसके भाई की एक ज़ाती चीज़ है उसकी डेफिनेटली। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरा जाता है और डरते हैं लोग, क्योंकि एक भाभी है वो दूसरे घर से आई है और बिल्कुल न्यूली ब्राइड ही मैं कहूँगी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर वो अपनी भाभी को शो करती हैं तो बहुत बड़ी अपने घर की पर्सनल चीज़ को वो हाईलाइट कर रही हैं, और उसके रिजल्ट में जो है भाभी का घर भी अफेक्टेड हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है लोग जो कमेंट्स करते हैं वो नहीं देखते, वो ना किसी का दिल देखते हैं ना किसी का दुख देखते हैं, वो जो उनके दिल में आता है वो डायरेक्ट जो है वो रिटन स्टेटमेंट में एज अ कमेंट बॉक्स कर देते हैं। उसके रिजल्ट में बहुत सारे घर टूटे हैं, ये फैक्ट है। तो ये बहुत अच्छा है कि स्वीटी जो कर रही हैं और इस वक्त एक लिमिट में वो व्लॉग बना रही हैं और उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए वो अपने जो रूटीन लाइफ है वो ऐड करती हैं। ज़रूरी नहीं कि अपने घर का खाना पीना लड़ाई झगड़े नए रिश्ते आने वाले रिश्ते जो भी हैं उन सबको आप रिवील कर दें व्लॉग में, बल्कि आप अगर उसको एक लिमिटेड वे में भी रखें तो आपका व्लॉग बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे कि स्वीटी का व्लॉग है। सो फ्रेंड यहाँ पर बेसिक मकसद ये था कि लोगों को ये मैसेज कन्वे करूँ कि
खुद भी मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत से, और जो कंटेंट आप देखते हैं उसमें भी थोड़ा कोशिश करें कि किसी का घर जो है वो नेगेटिव बातों से अफेक्टेड ना हो। लास्ट में मैं कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।